वेलकम टू वी टी आर्ट क्लासेस फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के बारे में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता सकती हूँ कि जो मेथड मैं बता रही हूँ ये मेरा 100% टेस्टेड है। मैं 15 ईयर से ज़्यादा समय से हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस लेती हूँ और मैं इसी मेथड को अप्लाई करती हूँ। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस मेथड को अप्लाई करके अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर चुके हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप भी इससे बेनिफिटेड होंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इस मेथड को सभी एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो वर्किंग हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप ईजिली इसके साथ जाइए। मेथड भी बहुत सिंपल और इजी स्टेप्स हमने रखे हुए हैं जिसमें को कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अभी लिखना शुरू कर रहे होते हैं तो उनके लिए मेथड अलग हैं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी राइटिंग कर रहे हैं लेकिन उनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो चाहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो होगी, एक तो 4 लाइन की नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक जो होती है, एक पेन, जेल पेन सही रहेगा, 5-10 रुपीज़ वाला पेन सफिशिएंट है। और जो लोग पेंसिल यूज़ करते हैं वो पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और डेली आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है जो जो स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग गंदी क्यों होती है। नंबर एक जो है, हम जो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम वो स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाते उसका, तो पहले हमें ये स्ट्रक्चर्स बनाने सीखने हैं। दूसरा, जो गैपिंग होती है वो हम गैप प्रॉपर नहीं रखते, उस वजह से हमारी राइटिंग गंदी होती है। और हम स्पेसिंग का जो ध्यान नहीं रखते और हमारा फ्लो भी नहीं बनता उस वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम सीखेंगे। नंबर टू जो पॉइंट है वो है कि जो अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं उनमें या तो होती हैं लाइनें, या होते हैं कर्व, या होता है ये ज़िगज़ैग यहाँ से या ये ऊपर से। तो पहले जो हमें कमांड करनी है वो अपनी इन चीज़ों पे करनी है, इन्हीं पे अपना फ्लो बनाना है। तो जो पहला हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा, जैसे हम ए बनाते हैं नीचे से ऊपर को लेते हैं ना, तो हमारा ये नीचे से ऊपर हमने इक्वल स्पेस देते हुए इस वाली लाइन की प्रैक्टिस करनी है बैलेंस। और इसको जो ये हमारा, ये जो एक और बात मैं बताऊँ, ये जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, जो ऊपर वाला है ये कहलाता है अपर केस, नीचे वाला कहलाता है लोअर केस, और जो बीच वाला कहलाता है ये कहलाता है मिडिल केस। तो मिडिल केस में कौन से लेटर आने हैं, अपर केस में कौन से आने हैं, लोअर केस में कौन से आने हैं, इन वाले लेटर्स का आपको भी ध्यान रखना है। तो पहले हम ये वाली प्रैक्टिस कर लेंगे, 5-10 पेजेस बैलेंस बनाते हुए गैप लेते हुए। फिर हम ये वाली लाइंस की प्रैक्टिस कर लेंगे सेकेंड डे, 1 डे हम ये कर लेंगे, सेकेंड डे हम ऊपर से नीचे चले जाएंगे ऐसे 4-5 पेजेस कर लेंगे। उसके बाद में हम ये वाले बैलेंस बनाएंगे अपने हाथ का ऐसे करते हुए, ये इसके भी हम एटलीस्ट 5-10 पेजेस प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हम ये चलेंगे, ये इसके भी हम 5-10 प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमने इनको भी साथ साथ करना है। तो डेली आप अपनी इन चीज़ों की, हाथ का फ्लो बैलेंस बनाइए, फिर ये कर्व, ये कर्व्स बनाइए, आप ये कर्व्स बनाइए ऐसे सी की तरह, क्योंकि ये भी हमारा बहुत काम आने वाला है अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए। फिर आप बनाइए इधर से इधर को ये वाले कर्व्स, ये इस तरह से आप, फिर आप बनाएंगे ये इधर से गए, ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने हाथ को बैलेंस बनाएंगे। कोई बात नहीं, जैसे आपका हाथ चलेगा आपने उसको रोटेट करना है, ये आपने अपना हाथ नहीं मोड़ना है, आपने कहीं कहीं
कलाई का ये फिंगर्स का आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, अपनी रिस्ट को भी, जहाँ पे रिस्ट को घुमाने की जरूरत है वहाँ पे उसे रिस्ट की तो जरूरत है नहीं अभी इसमें, अभी तो यही चीज और आपको पेन को पकड़ने की ये पोजिशन होनी चाहिए। पोजिशन तो सभी लोग अपने कम्फर्ट के हिसाब से करते हैं, कई लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से पोजीशनिंग करके पेन की काफ़ी सुंदर भी लिख लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह पेन होल्ड करने में कंफर्ट महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा क्लास वन पार्ट वन, जिसमें कि आपने लाइंस की और ये कर्व्स की और इन लाइंस की आपने जिगजैग लाइंस की, चाहे तो आप स्ट्रेट लाइंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे, और ये स्टैंडिंग लाइंस हैं ये, और ये आपकी स्लीपिंग लाइंस हैं, इनके भी आप कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका अपने हाथ को बैलेंस बनाना है लाइंस के ऊपर, अपनी कमांड, अपनी ग्रिप आपने रखनी है, तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। तो इन सारे स्टेप्स को आप हर स्टेप को डेली प्रैक्टिस करते हुए 5 डेज आप इन स्टेप्स को दीजिए और इसी तरीके से ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि आपको बाकी अल्फ़ाबेट्स कैसे बनाने हैं।